एवरीवन, माय नेम इज मनोज, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे हिकविजन के DS-U02 वेबकैम को। अब ये जो वेबकैम है वो 2 मेगापिक्सल का वेबकैम है और इसकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है ऐसा मैंने सुना था। तो मुझे एक वेबकैम की रिक्वायरमेंट थी तो इसलिए मैंने इसे मंगवा लिया। तो लेट्स सी कि कितनी ये क्लैरिटी देता है और कितना बढ़िया है, क्या ये वर्थ इट है और नहीं है। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हियर वी हैव हिकविजन वेबकैम। तो अगर हम बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए फ्रंट में इसकी इमेज दी गई है, यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन लिखी गई है और अगर हम इधर जाएं तो यहाँ पर एक स्टिकर है जहाँ पर इसका मॉडल नंबर DS-U02 लिखा हुआ है। साथ में इसका सीरियल नंबर है, डेट है, मेड इन इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए। उसके अलावा अगर इधर जाएं तो यहाँ पर एक और स्टिकर है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया है प्रामा हिकविजन। देन MRP लिखी हुई है जो कि है 4300। तो यही है इस प्रोडक्ट में। अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पर देखिए प्रामा हिकविजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिखा गया, उनके टेलीफोन नंबर यानी कि कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सब कुछ दिया गया है। तो फटाफट से हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या मिलता है। सो गाइस, बॉक्स में आपको सबसे पहले मिलती है ये क्विक स्टार्ट गाइड जहाँ पर इसकी सारी डिटेल दी गई है। बट आई डोंट थिंक इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सिंपल प्लग एंड प्ले है, आपको कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। जैसे ही आप USB केबल को अपने लैपटॉप से लगाओगे और आपका जो वेबकैम है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पर हमें मिलता है हिकविजन का वेबकैम। यहाँ पर देखिए सामने हिकविजन की ब्रांडिंग है, जो इसकी फिनिशिंग है वो मैट ब्लैक है। साथ में जो ये केबल आती है वो 1.5 मीटर की केबल है। यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है जिसमें इसका जो मॉडल नंबर है, सीरियल नंबर है, सारी डिटेल दी गई है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बॉल माउंट दिया गया है जिसके थ्रू आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी एंगल में। आप इसको 360 डिग्री टर्न भी कर सकते हैं देखिए इस तरह से। तो ये काफ़ी बढ़िया दिया गया है। साथ में अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है ट्राइपॉड माउंट करने के लिए, यानी कि आप इसे ट्राइपॉड पर भी इजीली माउंट कर सकते हैं। सामने की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए लेंस दिया गया है कैमरे का। ये एक LED लाइट है जो कि ब्लिंक करेगी जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका वेबकैम ऑन है या नहीं है। और साथ में ये दो माइक दिए गए हैं जिसके थ्रू ये आवाज़ रिकॉर्ड करेगा। तो इस तरह से ये वेबकैम है। तो फटाफट से मैं इसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ और इसका व्यू देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना वाइड ये व्यू देता है और कितनी अच्छी ये क्लैरिटी देता है। सो गाइस, यहाँ पर है हमारे पास हिकविजन का वेबकैम। और अगर आप केबल की बात करें तो केबल की लेंथ बहुत ही बढ़िया है, मतलब आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। आप जरूरी नहीं आपने लैपटॉप के ऊपर ही लगाना है, कहीं ट्राइपॉड पर आपने कहीं दूर लगाना है और लैपटॉप से कनेक्ट करना है तो वो भी काफ़ी इजीली हो जाएगा। अराउंड 1.5 मीटर की लेंथ है इसके केबल की। इसके अलावा यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका ये फ्लैप दिया गया है और इस फ्लैप के थ्रू आप इसे लैपटॉप पर भी अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो इसकी फिनिशिंग है काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, मतलब स्क्रैचेस वगैरह लैपटॉप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे अगर आप इसे लगाओगे। और लगाना भी काफ़ी ईजी है, आपने फ्लैप ओपन करनी है और उसके बाद यहाँ पर लैपटॉप पर लगाना है इस तरह से। और जो लैपटॉप का बैक कवर है उस पर ये फ्लैप ऐसे अटैच कर देनी है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इस तरह से ये अटैच हो जाएगा, ऐसे ही ओपन होगा। हमने सिंपली इसको ऐसे यहाँ पर रखना है और जो ये वाली फ्लैप है इसको लैपटॉप के बैक कवर के साथ अटैच कर देना है इस तरह से। तो ये हमारा हो गया और यहाँ पर देखिए आप इजिली आप इसे देख सकते हैं। और सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर से केबल लेनी है, ये हमारे पास है केबल, और सिंपली आपने यहाँ पर लगा देनी है। तो ये देखिए जैसे ही मैंने लगाई वेबकैम है उसकी लाइट यहाँ पर जल गई, रेड कलर की लाइट आ गई है। अब सिंपली आपने क्या करना है, इसको करना है ऑन। ऑन करने के लिए आपने क्या करना है, जो यहाँ पर हमारा कैमरा है उसको ओपन करना है, जो लैपटॉप का कैमरा होता है। सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा जो वेबकैम है वो ओपन हो गया। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सिंपली आपने अपने लैपटॉप का कैमरा ओपन करना है, जो वेबकैम है लैपटॉप का वो ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए कैमरे के ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर मैं कैमरे के ऑप्शन में आ चुका हूँ और ये देखिए यहाँ पर हमारा जो हिकविजन का वेबकैम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली प्लग एंड प्ले है। जैसे ही आप अटैच करते हो तो आपका जो वेबकैम है वो ओपन हो जाता है। तो ये हमारे वेबकैम की क्लैरिटी है हिकविजन की। आप देखिए कितना वाइड एंगल यहाँ पर दिख रहा है। और अगर मैं आपको अपने लैपटॉप का कैमरा दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद ये हमारे लैपटॉप का कैमरा है। अब इसका आप देखिए जो वाइड एंगल है, मतलब कितना नैरो एंगल है इसका, वाइड तो है ही नहीं है।
तो इस टाइप का ये दिखा रहा है और क्लैरिटी भी आप देखिए कितनी कम दिखा रहा है। अब ये एसर का लैपटॉप है और उसमें मतलब जो लैपटॉप का कैमरा है वो बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं दिखा रहा, तो इस पर तो आप रिलाय कर ही नहीं सकते इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो वेबकैम है हिकविजन का, अब उसकी ये क्लैरिटी है, इतना वाइड एंगल है, मतलब सारा देखिए पीछे का आपको हर चीज़ दिख रही है। और मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो ये देखिए, ये मैंने, ये हमारा लैपटॉप है और यहाँ पर देखिए वेबकैम लगा हुआ है, ब्लू कलर की लाइट यहाँ पर इसमें जल रही है, तो इस तरह से हमें दिख रहा है। तो साथ में अभी मैं आपको दिखाऊं, देखिए अभी मैंने कोई भी लाइट नहीं जलाई हुई है, जो हमारी नॉर्मल लाइट है रूम की वही लाइट है, अब उस लाइट में ये इतनी क्लैरिटी दे रहा है। सो गाइस ये देखिए यहाँ पर मैंने अपनी रिंग लाइट को ऑन कर दिया और इस टाइप की एक क्लैरिटी दिखा रहा है। तो अगर आप इसको थोड़ी सी लाइट दे देंगे तो क्लैरिटी काफ़ी बढ़िया रहेगी और काफ़ी अच्छी एक क्लैरिटी आपको दिखाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी अपनी जो वॉइस है, जो ऑडियो है, जो इसका माइक है, वो किस तरह से काम करता है और उसकी कैसी क्लैरिटी है। सो गाइस अभी जो ऑडियो आ रही है वो आ रही है इसी कैमरे के थ्रू, तो आप देख सकते हैं कितनी क्लैरिटी है ऑडियो में। सो गाइस कैसा लगा आपको ये कैमरा? मुझे तो पर्सनली काफी बढ़िया लगा, मेरी सारी रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करता है और जो इसकी क्लैरिटी है वो काफी बढ़िया है। और अगर आप एक एक्स्ट्रा लाइट लगा देते हैं तो इसकी जो क्लैरिटी है वो निखर कर सामने आती है। और दूसरा जो इसका वाइड एंगल है वो काफी ज्यादा शानदार है, काफी बड़ा एरिया ये कवर करता है, तो ओवरऑल कैमरा काफी बढ़िया है। दूसरी बात, इसको आप टेबल माउंट भी कर सकते हो, आप इसको ट्राइपॉड पर भी माउंट कर सकते हो, लैपटॉप पर भी माउंट कर सकते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।